किंग कोहली ने रचा इतिहास, जड़ा छठा शतक, सनराइजर्स हैदराबाद की करारी हार। आईपीएल 2023 के 65वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। 18 मई गुरुवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को जीत के लिए 187 रन का टारगेट दिया, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस रहे। इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है। विराट कोहली ने 63 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कोहली के आईपीएल कैरियर का यह छठा शतक रहा। कोहली ने सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में क्रिस गेल की भी बराबरी कर ली है। डु प्लेसिस की बात करें तो उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 47 गेंदों में 71 रन बनाए। डु प्लेसिस और कोहली ने मिलकर 17 ओवर और 5 गेंदों में 172 रनों की तूफानी साझेदारी की। कोहली डु प्लेसिस ने इस साझेदारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब कोहली डु प्लेसिस की जोड़ी किसी आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ओपनिंग जोड़ी बन गई है। कोहली ने 1489 दिन और 63 पारियों के बाद आईपीएल में शतक लगाया है। कोहली का पिछला आईपीएल शतक 19 अप्रैल 2019 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आया था। उस शतक के बाद से कोहली ने 63 पारियों में 31 की औसत से 1736 रन बनाए थे, जिसमें 14 अर्धशतक रहे। साथ ही आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों टीमों की ओर से किसी मुकाबले में शतक लगा। हैदराबाद की ओर से हेनरी क्लासेन ने इस मैच में शतक जमाया। यही नहीं, पहली बार किसी आईपीएल सीजन में 6 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत खराब रही और अपने पावर प्ले में ही अपने ओपनर्स के विकेट गवा दिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को माइकल ब्रेसवेल ने महिपाल लोमरोर के हाथों कैच आउट कराया। फिर एक गेंद बाद ब्रेसवेल ने राहुल त्रिपाठी को भी अपना शिकार बनाया। यहां से एडेन मार्करम और हेनरी क्लासेन ने 76 रनों की पार्टनरशिप करके पारी को संभाला। शहबाज अहमद ने मार्करम को बोल्ड आउट करके इस पार्टनरशिप का अंत किया। मार्करम के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक और क्लासेन के बीच 74 रनों की पार्टनरशिप हुई। क्लासेन ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक लगाते हुए 104 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान क्लासेन ने 51 गेंदों का सामना किया और 8 चौके के अलावा 6 छक्का लगाया। हैरी ब्रुक की बात की जाए तो वह 27 रन बनाकर नवाज रहे। क्लासेन के शानदार शतक के बावजूद हैदराबाद की टीम यह मैच हार गई। अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और आरसीबी की उम्मीद बरकरार है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।